हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक किचन टिप्स लेके आई हूँ जो कि वुमेन को बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत सारे किचन टिप्स, किचन में आप रहते हो तो आप किचन में आपके डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ के लिए कितना ही हेल्पफुल है। चलिए मैं आपको फर्स्ट टिप्स बताती हूँ कि वो क्या है किचन टिप्स। फर्स्ट टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्याज काट रहे हो और आपकी आंखों में आंसू निकलने लगता है और बहुत ही जलन होता है तो आप क्या करो, उसे फ्रिज में पहले रख दो, उसके बाद प्याज को कट करो। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके लेमन कड़क हो गया है, अभी गर्मी का टाइम है, बाहर में रखोगे तो आपका लेमन बहुत ही जल्दी कड़क हो जाता है, तो उसमें से उसे स्क्वीज करना, उसे निचोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप उसे क्या करो, पहले गर्म पानी में उसे रख दो, थोड़ी देर बाद उसे निकालो तो उसके जो कवर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तब आप उसे अच्छे से इजीली निचोड़ सकते हो और उसके जूस को निकाल सकते हो। थर्ड टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी किचन टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी आपको कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अपने टिप टॉपिक पे आती हूँ। मेरा टॉपिक थर्ड मैं आपको बताऊँगी टिप्स। थर्ड टिप से हमारा, अगर हम रात में चना भिगोना भूल जाते हैं और हमें चना की सब्जी बनानी है और चना मटर बनाना है तो भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, आप क्या करें, बॉयल पानी में, बॉयल वाटर में आप चना को बॉयल करें, उसके बाद आप चना की सब्जी बनाएं। इससे क्या होगा, आपका चना नरम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थर्ड नेक्स्ट टिप्स आपको मैं बताना चाहूँगी जो कि हमारा फोर्थ टिप्स है। फोर्थ टिप्स ये हमारा, अगर आप किचन में हो और आपका जल गया है हाथ में या कहीं भी जल गया है तो आप तुरंत, अगर फ्रिज है जस्ट बगल में नियर तो आप क्या करो, फ्रिज से आइस क्यूब लगा के उसमें रख कर लो। अगर फ्रिज में आइस नहीं है तो आप क्या करो, पोटैटो जूस का अप्लाई करो, उससे आपका जहाँ जलन हुआ है, वह जलन जल गया है, वहाँ आपको ठंडक पहुँचेगा। अगर आलू जूस आप निकालने में टाइम लग रहा है तो आप क्या करो, नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल को आप लो और उसमें लगा लो। इससे क्या होगा कि आपका जो जलन है कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स आपको मैं बताना चाहूँगी, वो टिप्स है कि आप अगर पनीर निकाल रहे हो अपने घर पे तो पनीर का जो वाटर होता है, उस वाटर में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो उस पनीर के वाटर को आप फेंको मत। आप उस पनीर के वाटर को उस पानी से आप आटा को गूंथ लो, आटा को गूंथोगे तो रोटी नरम बनेगी और आटा भी नरम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर पराठा बनाते हो तो उसे और भी स्वादिष्ट बनाना है तो आप पराठा में कसूरी मेथी को मिक्स करके आटा गूंथ लो, उससे आपका पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। नेक्स्ट टिप्स आपको मैं बनाना चाहती हूँ, मिर्ची। मिर्ची को आप क्या करो, मिर्ची का जो डंठल पीछे का होता है, अगर मिर्ची आपको लॉन्ग लास्टिंग फ्रिज में फ्रेश रखना है तो आप क्या करो, मिर्ची का पीछे का जो डंठल है उसे आप तोड़ के फ्रिज में रखो, सारे मिर्ची का डंठल को तोड़ के उस मिर्ची को आप वॉश करके फ्रिज में रखो तो आपका मिर्ची लॉन्ग लास्टिंग फ्रेश रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप दही जमा रहे हो, आपका दही अच्छा नहीं जमता है, गाढ़ा नहीं जमता है और बहुत ही पतला जमता है, टेस्ट नहीं आता है, अगर आप चाहते हो मक्खन की तरह आपका दही जमे और उसे आप स्पून से निकालो तो वो कट के बाहर निकले, तो आप क्या करो, दही जमाओ, खट्टी दही अगर आपको नहीं जमाना है तो आप जो दही, हम दही को क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा दही आता है, जो जोरन, पहले हम दही जोरन निकालते हैं, उसी जोरन से हम दही जमाते हैं, तो आप क्या करो, आप अच्छी दही लो और खट्टी दही मत लेना, खट्टी दही लोगे तो आपका दही भी खट्टा ही जमेगा। आप क्या करो, अच्छा दही, फ्रेश दही लो, थोड़े से लो और दूध वार्म लो, ना कि ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, मतलब मीडियम में आपका दूध, मतलब वार्म वाटर जैसे बोलते हैं वैसे वार्म मिल्क होना चाहिए, आप छू के देख लो कि वो छूने के लायक है। ओके, और उसी दूध में आप, मिल्क में आप उस थोड़ी सी दही डाल दो, उससे आपका, अगर आपकी दही खट्टी नहीं है, जो दही आप डाल रहे हो दूध में खट्टी नहीं है तो आपका दही खट्टा नहीं जमेगा। और उसमें आप क्या करो, मिर्ची का जो डंठल होता है उसमें उसे रात में डाल दो और ढक के आप उसे रख दो, तो आपका दही बहुत ही अच्छा जमेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा और एकदम मक्खन की तरह जमेगा। आप स्पून से उसे कट करेंगे तो वो कट के निकल के बाहर आएगा।
आप इसे ट्राई करके देखो। मैंने भी ट्राई किया है, मुझे रिजल्ट दिखा है, तभी मैं आपसे ये वीडियो आपके लिए बनाई हूँ और बता रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको टिप्स मैं बताऊँगी। नेक्स्ट टिप्स है हमारा, अगर आप नूडल्स बनाते हो तो नूडल्स चिपक जाते हैं हमारे, तो नूडल्स चिपक जाते हैं तो आप क्या करो, नूडल्स में आप ऑयल डाल दो या तो आप ठंडी पानी उसमें डाल दो, तो आपके नूडल्स चिपकेंगे नहीं। ओके गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट आपको ये बताना चाहूँगी कि आप और भी बहुत सारे किचन टिप्स हैं मैं आपको और शेयर कर रही हूँ। मिक्सर ग्राइंडर होता है, 1 मंथ में आप मिक्सर ग्राइंडर का जो हमारा जो वो कंटेनर होता है उसमें जो ब्लेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो ठीक से चलते नहीं है। तो आप क्या करो, मंथ में 1 टाइम आप मिक्सर का कंटेनर जो है उसमें नमक डाल के उसे चला दो, तो उसका जो ब्लेड होता है वो तेज हो जाएगा और आपका जो भी चीज़ आप उसमें ग्राइंड करते हैं वो इजीली ग्राइंड होगा गाइस। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा किचन टिप्स आपको कैसा लगा? आई होप आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। जितना हो सके मेरे वीडियो को आप शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।